गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आज हम बीएससी सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर वन में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण का अध्ययन करेंगे। इन इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता क्या है। कोई इलेक्ट्रॉन जब अपनी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो वह ऊर्जा को मुक्त करता है यानी रिलीज करता है, और कोई इलेक्ट्रॉन जब अपने निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो वो ऊर्जा को अवशोषित करता है। अब ये ऊर्जा का अवशोषण किस क्षेत्र में करता है? पराबैंगनी क्षेत्र में, दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में, उसमें हम आज देखेंगे। सामान्यतः अभी हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में उन ट्रांजिशन का स्टडी करेंगे जो कि पराबैंगनी लाइट को अवशोषित करके हो रहे हैं। इसमें मेनली हम स्टडी करेंगे सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन और नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन। जैसा ये चार प्रकार के मेन ट्रांजिशन हैं। बुक में आपके छः दे रखे हैं लेकिन चार ही मेन हैं। इस डायग्राम में हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्बिटल हैं। सबसे नीचे देखिए सिग्मा बॉन्डिंग कक्षक, फिर उससे ऊपर पाई बॉन्डिंग, फिर एन नॉन बॉन्डिंग कक्षक, फिर ऊपर पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग और फिर सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग। तो सबसे कम ऊर्जा किसकी है? सिग्मा बॉन्डिंग की। उससे ज़्यादा पाई बॉन्डिंग, फिर पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग। इन कक्षकों के बीच में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन होता है। अगर हम देखें कि इन कक्षकों के बीच में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन किस प्रकार से हो रहा है, देखिए एंटी बॉन्डिंग कक्षकों को हम स्टार लगा के शो कर रहे हैं, पाई स्टार और सिग्मा स्टार। तो इन कक्षकों के बीच जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन हो रहा है, अगर हम इन्हें ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में लिखें तो क्रम क्या होगा? देखिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा होगी सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की, उससे कम ऊर्जा होगी नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार की, उससे कम होगी पाई से पाई स्टार की, और उससे कम होगी नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार संक्रमण की। ठीक है, अब इन चारों को हम स्टडी करते हैं। सबसे कम जो ऊर्जा है, सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा है वो ट्रांजिक्शन में होती है सिग्मा टू सिग्मा स्टार। क्यों? क्योंकि इस ट्रांजिक्शन में सिर्फ सिग्मा बंद भाग लेते हैं, कोई भी पाई बंद या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म भाग नहीं लेता है, इसलिए इस संक्रमण में सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह संक्रमण सुदूर पराबैंगनी क्षेत्र में पाया जाता है। तो यह संक्रमण उनमें होगा जिनमें कि कोई पाई बंद एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं एथेन है, मैथेन है, एथेन में भी कोई पाई बंद नहीं है सिर्फ सिग्मा बंदी है, और मैथेन में भी सिर्फ सिग्मा बंदी है। ये सबसे ज़्यादा ऊर्जा वाला ट्रांजिशन है यानी संक्रमण है। इसके कम ऊर्जा संक्रमण वाला ट्रांजिशन है नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार संक्रमण। अब नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार संक्रमण में नॉन बॉन्डिंग यानी कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होना जरूरी है। तो ये उन यौगिकों में होगा जिनमें ऐसे तत्व हों जिनमें कि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो, जैसे कि ऑक्सीजन जिसमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इन सब में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो ये नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन शो कर सकते हैं। इनके एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं जैसे मेथेनॉल है तो ऑक्सीजन है, मेथिल क्लोराइड है तो क्लोरीन है जिसमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपलब्ध है। इससे कम ऊर्जा वाला ट्रांजिशन है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अब पाई ट्रांजिशन कब होगा? जबकि उस यौगिक में पाई बंद उपलब्ध होगा। पाई बंद कब होगा? जबकि उस यौगिक में असंतृप्तता होगी यानी डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो यह वाला ट्रांजिशन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पाया जाता है, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ओ यानी कार्बोनाइल, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एन यानी साइनाइड। ठीक है, इससे कम ऊर्जा वाला ट्रांजिशन है नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अब देखिए नॉन बॉन्डिंग यानी कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए यानी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, और पाई स्टार ट्रांजिशन नहीं पाई बंद भी होना चाहिए। तो ऐसे कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? कार्बोनाइल सी डबल बॉन्ड ओ जो ऑक्सीजन पे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी है और सी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड भी है, साइनाइड क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी है और ट्रिपल बंद भी है यानी पाई बंद भी है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में पाई बंद भी है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में और नाइट्रोजन के ऊपर एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी है। तो ये वाले ऊर्जा का ट्रांजिशन सबसे कम ऊर्जा वाला ट्रांजिशन कहलाता है नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन। देखिए यहाँ पे विभिन्न क्षेत्र दिए गए हैं, सिग्मा से सिग्मा स्टार, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार, नॉन बॉन्ड से पाई स्टार, ये किस क्षेत्र में अवशोषण प्रदर्शित करेंगे, 150 नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर, 200 से 400 नैनोमीटर।